once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। खुशी की बात यह है कि मेरा गोप्रो चल गया है और मैं गोप्रो से वीडियो बना रहा हूँ। और अभी मैं जिस रोड पे हूँ, ये यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे है, यानी कि आप कह सकते हो चंबा भी जा सकते हो इस रोड से। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुंजापुरी मंदिर, और जल तो चढ़ चुका होगा सब लोगों का 14 का। और आज जा रहा हूँ कुंजापुरी मंदिर, कोशिश करूँगा कि 14 के बाद ही आ जाए वीडियो। और भाई जी, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे चलने के बाद में आपको ये रास्ता दिखेगा यहाँ से। यहाँ पे गढ़वाल ज्वेलर्स का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, स्टॉप भी लिखा हुआ है, तो बहुत सारी सब्जी की दुकान भी है। तो हमें कुंजापुरी मंदिर जाना है, तो यहाँ से हमें अपने राइट टर्न लेना है। तो पिछले आपने वीडियो देखी होगी मेरी, नरेंद्र नगर तक रास्ता मैंने दिखा हुआ है। तो नरेंद्र नगर से मुझे लग रहा है मुश्किल से 7-8 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद में चंबा की तरफ, तो राइट हैंड पे आपको रास्ता दिखेगा ये। तो थोड़ा रास्ते का दिखा देता हूँ। ये दो रास्ते हैं, आपने गेट वाले रास्ते में गुजाना है। तो जो गेट वाला रास्ता है ये आपको लेकर जाएगा कुंजापुरी टेंपल, और जो नीचे है ये कोई गांव में रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे चलना है आपने। और रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत सुपर है। आपको एक बंदर भी मिलेंगे आपको देखने को, थोड़ा सावधान रहना अगर हाथ में कुछ है, अगर पैदल जा रहे हैं तो। रास्ता मतलब इतना सुपर है कि आपको इतना प्यारा व्यू दिखेगा इधर, पर आप कोशिश करना ना देखना व्यू को, इधर देख सकते हो आप ऐसे मोड़ कट वट सब कुछ ध्यान से अगर बाइक से आए हुए तो। भैया पत्थर वत्थर भी गिर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा हेलमेट वगैरह लगा के आए, ध्यान से आए और मोड़ों पे ध्यान से मुड़े। तो भैया जब तक मैं रास्ते में आपको लेके चलता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है। और पहली वीडियो किस किस ने देख ली मेरी कावड़ वाली व्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे पत्थर वत्थर गिरा हुआ है, रास्ता गिरा हुआ है, सब कुछ यहाँ से गिर रहे हैं, पत्थर रास्ते से हटाए गए, ये सब प्रसाद की वजह से गिर रहे हैं, रोड से हटाए गए। तो थोड़ा ध्यान से चले, ध्यान से देखे भाई, देखो लैंडस्लाइड हो रही है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना सुपर हो रहा है, इतना कूल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जनवरी शुरू स्टार्ट हो गई है भाई। इधर नरेंद्र नगर कुंजापुर की तरफ जब आता हूँ तो इधर मौसम अलग ही रहता है, यहाँ का वातावरण ज़बरदस्ती रहता है। और भैया सोच रहा हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना जिसको पता है कि मोटो व्लॉगिंग होता क्या है। तो मैं बता देता हूँ, मोटो व्लॉगिंग वो है कि मुझे अपने गोप्रो या मोबाइल या किसी भी चीज़ कैमरे को माउंट करना है अपने हेलमेट के ऊपर, और उसका जो माइक है मुझे अपने फेस के पास ले जाना है, मुँह के पास ले जाना है, ताकि मैं आपको रास्ते में होती घटनाएँ, दुर्घटनाएँ या फिर एंटरटेनमेंट करूँ, रास्ते को दिखाऊँ और लेके चलो तुम्हें अच्छी अच्छी लोकेशन पे, अच्छे अच्छे रास्ते दिखाऊं। और जो हाइड लोकेशन है ऋषिकेश की या फिर ऋषिकेश उत्तराखंड की आसपास की, तो वहाँ के मैं तुम्हें लोकेशन दिखाऊं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना प्यारा नीचे, मतलब यहाँ से ऋषिकेश वगैरह दिखता तो है, बट फोग या बहुत धुआं हो रहा है उसकी वजह से नहीं दिख रहा है। बट आप आसमान देख सकते हो, बिल्कुल ब्लू हो रहा है। आज ने पूरा हाल किया हुआ है पूरे देश में, यहीं नहीं उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, और
अभी तक यूपी की कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। यूपी में कुछ ऐसा हुआ है तो पता नहीं, और अभी उत्तराखंड भी थोड़ा बचा हुआ है। उत्तराखंड बचा हुआ क्या मतलब, पत्थर पहाड़ तो गिर गए, केदारनाथ यात्रा बंद हो चुकी है। वहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो प्लीज़ केदारनाथ यात्रा के लिए ना आए अभी, और थोड़ा कुछ दिन घर पे रहे, घर से ही भगवान का नाम ले, बाकी यात्रा पे ना आए अभी, क्योंकि स्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि पत्थर वत्थर गिर रहे हैं रोड पे तो रोड बंद हो जा रहे हैं, और किसी को घटना दुर्घटना ना हो तो अच्छी बात है। अभी नीलकंठ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बुरे हाल थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और मुझे वहाँ का वीडियो बनाना था बट मैं नहीं बना पाया क्योंकि उधर मैं नहीं जा पाया भीड़ की वजह से ही। तो अभी आपको माँ कुंजापुरी के दर्शन करा रहा हूँ, अगर माता कुंजापुरी के दर्शन करने हैं तो वीडियो में बने रहे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई थोड़ा नज़दीक ही पहुँच रहा है और कामयाबी के, और भाई कामयाब होएगा तो आपको खुशी होनी चाहिए अगर आप मेरे भाई हैं तो। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, लेके चलता हूँ आपको। तो भैया जैसे आप ऊपर पहुंच जाओगे, 4 से 4.5 किलोमीटर है ऑन रोड से ये, और आपको बोर्ड दिखेगा माँ कुंजापुरी मंदिर के टेंपल का, वो यहाँ से आप प्रसाद वरसाद ले सकते हो, बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद वगैरह की, तो जिसको प्रसाद लेना है प्रसाद तो चढ़ाना ही पड़ता है ऊपर, और यहाँ से सीधा रास्ता ऊपर के लिए निकल रहा है, तो यहाँ से पैदल जाना होता है, अभी हम निकलते हैं। तो भैया जी यहाँ से सीढ़ियाँ है, एक रास्ता ये जा रहा है बट इसमें नहीं जाना, सीढ़ियों से जाना है आपने। जी भैया, भीड़ भाड़ हो रही है, ठीक नहीं हो रही, हो रही भीड़? अच्छा आ जाओ ऑफिस में, चाय कॉफ़ी नहीं। तो भैया देखने में आसान लग रहा है, इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आपको और सीढ़ियाँ भी मिलेगी आगे। यहाँ पे एक पॉइंट है आप मैगी पॉइंट, अगर आप चाहो तो यहाँ पे खाना वाना नाश्ता वास्ता ले सकते हो, मतलब आधे टाइम या जाते टाइम जैसे भी लेना होगा आपको। और गोप्रो में क्वालिटी के लिए आज खेद है क्योंकि पानी मुझे लग रहा है अंदर तक पहुँच गया इसमें, और फिर ये है रास्ता यहाँ से आगे, स्लीपर वगैरह हम ऊपर निकालेंगे, ऐसा तो जब चाहते तो नीचे भी निकाल सकते थे जिसको निकालना हो, बट थोड़ी हालत सही नहीं है इसलिए मैं ऊपर ही निकाल लूँगा। सांस चढ़ गया इतनी सीढ़ियों में, देख लो आप ये वहाँ से आया नीचे से, वहाँ से यहाँ से चढ़ते हुए ऐसे 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 बहुत प्यारा लग दिया। पर तो भैया जी फिर ये रास्ता पूरा कंप्लीट करने के बाद में पॉइंट आएगा, आप बैठ कर आराम कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इसके बाद सीधा रास्ता ऐसे। और मंदिर के पास घर भी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और बस जैसे बाहर निकलोगे आप कुछ सीढ़ियाँ ये चढ़नी है आपने, सूज वगैरह आप स्लीपर वगैरह यहाँ निकाल सकते हो। तो आज भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा है नहीं इसलिए मैं ऊपर ही निकल लूँगा। और मंदिर में कुछ बाहर से ऐसा है मंदिर, देख सकते हैं आप, अभी चलते हैं ऊपर। नहीं भैया शिकार पर नज़र है इनकी, जैसे नज़र चूकी आप भूल जाओ आपके हाथ में कुछ था। देख
ये जो मैंने नारियल तोड़ा है ये मैं अंदर चढ़ा देता हूँ, बाकी का प्रसाद अपने पास रख लेता हूँ। कुंजापुरी मंदिर, यह मंदिर भगवती कुंजापुरी देवी को समर्पित है, एक प्राचीन मंदिर है। कुंजापुरी भवन सिद्धपीठों में से एक है। कहा जाता है कुंजापुरी को इस क्षेत्र में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया। पौराणिक कथानुसार भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगवान शिव इस स्थान में सती का मृत शरीर कैलाश वापस ले गए थे, जिसका शरीर का ऊपरी अर्थ भाग इस स्थान पर गिरा जहाँ कुंजापुरी देवी मंदिर स्थित है। यह हिमालय की बर्फीली घाटियों में है भगीरथी। यह हिमालय घाटी की बर्फीली सीमा में भगीरथी घाटी का सुंदर दृश्य समादेश करता है। और ऋषिकेश से 17 किलोमीटर ऊपर है। जी मंदिर से नीचे आ गए हैं, मंदिर से नीचे पहुंच गया हूं और अभी यहां का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूं। तो भैया ब्रेकफास्ट करना था यहां पे कुंजापुरी मंदिर के पास ही, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं हो पाया क्योंकि एक्चुअली सबने मैगी बनाई हुई है और मैगी खाने का मन नहीं था। मैं सोच रहा था कुछ हल्का फुल्का, मतलब या तो कोई सैंडविच बनाता हो या कोई एक पराठा खा लेता हूँ, बट वो चीज़ नहीं है। और गाड़ी चल रही है, बाइक बंद होके पूरी बंद हुई हुई है, बिल्कुल नीचे तक कोई स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो मैं, अब आपको यकीन आ जाएगा, आप चाबी भी देख सकते हैं आप। और ऊपर का जो व्यू था ना वो जो बहुत ज़बरदस्त था, बट क्या करें कि फोग ज़्यादा आ गया था एकदम से ही, बादल क्लाउड नहीं दिख रहे थे। अभी वापसी चल रहा हूँ और वापसी में देख सकते हो आप क्या प्यारा। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.